more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. हाल फिलहाल में हमारी हिना खान का यानी कि कमोलिका का प्रोमो आउट हो गया है, जो पहले एकता कपूर ने और फिर हिना खान ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। वेल, कहना गलत नहीं होने वाला है कि अब इतनी सुंदर लग रही हैं और इतनी ज्यादा धमाकेदार एंट्री हो रही है हिना खान की, तो ऐसे में भी आप सभी भी इंतजार कर ही रहे होंगे मंडे के स्पेशल एपिसोड का, जिसमें देखने को मिलने वाली है हिना खान की अनुराग की लाइफ में ग्रैंड एंट्री। लेकिन अब इस प्रोमो के बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल बहुत सारे सेलिब्रिटीज के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं हिना खान के प्रोमो को लेकर, और साथ ही इसी बीच कमेंट आ गया है स्पेशल वाला करण पटेल की ओर से। वेल, बता देते हैं कि इन दोनों की यानी कि हिना खान की और करण पटेल की कुछ खास आपस में जमती रही है। करण पटेल जब बिग बॉस में आए थे यानी कि बिग बॉस 11 में, तब भी उन्होंने हिना खान को काफी बातें सुनाई थी, जिसको लेकर हिना खान हो गई थी थोड़ी सी खफा। लेकिन भाई इस प्रोमो को लेकर करण पटेल बोल गए हैं कुछ ऐसा जो शायद एक बार को हिना खान को लग सकता है थोड़ा सा बुरा। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि करण पटेल ने कह दिया है कि वो इस रोल के लायक ही नहीं थी, यानी कि हिना खान इतने स्पेशल रोल के लायक नहीं थी और उन्हें बाय लक ये रोल मिल गया है। वेल, बता देते हैं कि भाई करण पटेल का ये कमेंट अब जाहिर तौर पर काफी ज्यादा भूचाल मचा सकता है, जिसको लेकर अब कुछ कहना है आपका जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।